शहजादा खान और आप देख रहे हैं झारखंड टाइम्स। ग्वालियर में कार मालिक ने गुस्से में पेट्रोल डालकर अपनी ही कार जला दी। उसने कार को फाइनेंस कराया था, लेकिन किस्त नहीं भरने पर रिकवरी टीम ने कार को लिफ्ट कर लिया। जब टीम गाड़ी को लेकर जा रही थी, तभी कार मालिक आ गया। उसके हाथ में पेट्रोल से भरी बोतल थी। उसने कार में वहीं आग लगा दी। कुछ ही देर में कार आग का गोला बन गई। पुलिस और दमकल टीम मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। घटना बुधवार शाम गोला का मंदिर भिंड रोड की है। ग्वालियर के गोला का मंदिर भिंड रोड पर कार को कुछ लोग एक ऑटो से लिफ्ट कर ले जा रहे थे। इस तरह कार ले जाने से कार मालिक विनय शर्मा काफ़ी नाराज हुआ। उसने टीम को पहले धमकाया भी। जैसे ही रिकवरी टीम ने वीडियो बनाना शुरू किया तो कार मालिक ने कहा, अब ले जाकर दिखा कार, और गाड़ी पर पेट्रोल की बोतल उड़ेल दी। इसके बाद कार में आग लगा दी। देखते ही देखते कार लपटों में घिर गई। आसपास के लोग दूर खड़े हो गए। लोगों ने वीडियो बनाने शुरू कर दिए। फैक्ट्री कर्मचारी ने दी फायर ब्रिगेड को सूचना। कार में आग लगती देख पास ही फैक्ट्री के गार्ड ने तत्काल आग की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और पानी फायरिंग कर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। इसी समय पुलिस भी मौके पर पहुंची है। घटना की लाइव वीडियो पुलिस को मिली है। कार मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।